तो अब आते हैं इस पीसी के स्पेक्स पर। और सबसे पहले सीपीयू की बात करें तो हम इधर सीपीयू यूज कर रहे हैं इंटेल का i7-12700KF, लेटेस्ट जनरेशन सीपीयू है 12 कोर 20 थ्रेड के साथ। इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा है वो एसस टफ B660M+ Wi-Fi D4 मदरबोर्ड, जिसमें PCIe Gen 5.0 और DDR5000 का भी सपोर्ट है, DDR5 5000 का सपोर्ट है। देन इसके अंदर जो AIO लगा है वो है कूलर मास्टर का 360 mm रेडिएटर, ग्राफिक्स कार्ड लगा है जोटेक्स गेमिंग का 1650, GeForce GTX 1650। यहाँ हम जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो है कोर्सर वेंजिंस DDR4 3200 MHz CL15 रैम, सिंगल स्टिक है 16 GB की, सिंगल चैनल मोड में अभी रैम वर्क कर रही है। केस हम यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला है, और जो हमारी पावर सप्लाई है वो है कूलर मास्टर MWE Gold 750 वॉट। यहाँ पे जो हम UPS यूज़ कर रहे हैं वो है FSP की तरफ से आने वाला FP2000। केस के फ्रंट आयो की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हमें एक प्रोसेस LED देखने को मिलती है, उसके बाद है USB 3.0 का पोर्ट जो कि Gen 1 पोर्ट है, दूसरा USB 3.0 Gen 1 पोर्ट, पावर बटन, एक हेडफोन इनपुट जैक, माइक्रोफोन आउटपुट जैक एंड रीसेट स्विच। रियर आयो की यानी कि मदरबोर्ड आयो की बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास एक HDMI आउटपुट पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, 2 USB 3.0 Gen 2, फिर 2 USB 2.0, एक USB Type-C और एक USB 3.2 Gen 1 पोर्ट। देन यहाँ पे है 2.5 GB ईथरनेट। उसके नीचे हमें Wi-Fi 6E के अडेप्टर्स देखने को मिल जाते हैं, ये रहे देखो दो लगे हुए हैं। उसके नीचे काफ़ी सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं। हमारे ग्राफिक्स कार्ड में तीन आउटपुट के मीडियम दिए हुए हैं, पहला यहाँ पे राइट साइड में है HDMI, मिडल में है डिस्प्ले पोर्ट और लेफ्ट में है DVI। ये हमारा जो Wi-Fi 6 का कनेक्टर है वो जाता है सीधा इस Wi-Fi 6 एंटेना को, जो कि बहुत ही अच्छे से कम लेटेंसी में हमें Wi-Fi की अच्छी स्पीड और अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जो हम मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं वो है LG का 32GK650F, 32 इंच मॉनिटर है और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसमें हमें एक हाइट एडजस्टेबल स्टैंड देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ये मॉनिटर 120 डिग्रीज पे अच्छे से टिल्ट भी हो सकता है, और इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब ज़रा चलिए आपको इसकी हाइट एडजस्ट करके दिखाते हैं। अगर मॉनिटर के आयो की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है पावर इनपुट पोर्ट, फिर उसके ऊपर एक और पावर इनपुट पोर्ट दिया हुआ है, साथ ही साथ उसके नीचे यहाँ पे एक HDMI पोर्ट है, उसके ऊपर एक और HDMI पोर्ट है, और यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट दिया हुआ है जो कि हमारे ग्राफिक्स कार्ड के साथ कनेक्टेड है। मॉनिटर के ठीक पीछे हमें मिलता है एक बिल्ट इन हेडफोन स्टैंड, जहाँ पे हम अपने हेडफोन्स को आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर्स यूज़ हो रहे हैं JBL Flip 5 ब्लूटूथ स्पीकर्स, और जो कीबोर्ड है वो है जेब्रोनिक्स का Zeb Max+V2। ये Zeb Max+V1 का बड़ा भाई है। 102 कीज, 6 RGB मोड्स, RGB मोड्स के लिए FN+ ये कीज, ये सारी 6 कीज जो है यही आपके मोड्स चेंज करते हैं। ये FN1 जो है FN, वो हमें एक स्टैटिक लाइटिंग देता है, यानी कि ये हिल नहीं रही है, ना कोई इफेक्ट है ना कुछ है, बस एक लाइटनिंग हमें इफेक्ट मिल रहा है। सेकंड मोड जो है उससे हम टच इफेक्ट मिलता है, यानी कि कीबोर्ड फुल्ली मैकेनिकल फीलिंग है, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। तीसरा इफेक्ट आपको दिखा देते हैं, तीसरा इफेक्ट है ब्रीद वाला। फोर्थ इफेक्ट जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते रहते हैं जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला अपना नॉर्मल रेनबो इफेक्ट। फिफ्थ इफेक्ट में हमें खाली WASD और एरो कीज को ही हाईलाइट किया जाता है, ताकि हमें गेम्स में आसानी हो। साथ ही साथ जो सिक्स इफेक्ट है वो बहुत ही मस्त लगता है, रेनबो जैसा ही है, बट इसमें सिंगल इंडिविजुअल कीज हाईलाइट हो रही हैं। साथ ही साथ इसमें फंक्शन की यानी कि FN और ये दोनों जो कीज़ हैं, इसमें आप देख सकते हैं लेबलिंग की हुई है,
इसकी स्पीड कम और ज़्यादा करने के लिए। तो हम FN की दबा के अगर इसको दबाते रहेंगे तो देखिए कितने शांति से लाइटिंग इफेक्ट्स हमें दिख रहे हैं। और अगर उसी के साथ हम FN की दबा के ये कीज़ दबाते रहेंगे तो देखिए स्पीड एकदम अच्छे से स्मूथली इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे जो माउस यूज़ हो रहा है वो है एंट ई स्पोर्ट्स का GM300, मस्त वाला माउस है। इसके अंदर आपको दो प्रोग्रामेबल बटन साइड बटन्स देखने को मिलते हैं। इसका जो थंब ग्रिप है बहुत ही अच्छी है और इसकी ग्रिप मेरे को बाकी सारे माउस से सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।